22428 आनंद विहार टर्मिनल बलिया भिरगु सुपरफास्ट, आखिरी बार 9 स्लीपर कोच के साथ बलिया आती हुई, क्योंकि अगले रन यानी 6 जुलाई से इसमें स्लीपर कोच की संख्या 9 से घट के 6 हो जाएगी। 3 स्लीपर कोच की जगह 2 थर्ड एसी इकोनॉमी और 1 सेकंड एसी अटैच किया जाएगा और जनरल कोच 5 के 5 रहेंगे। ये अच्छी बात है। ये आ चुकी है कानपुर के गोयल TMT लिवरी वैप 739010 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भिरगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस बलिया की शान। देखिए भीड़ जनरल में, ये 1-2 जनरल, आज आखिरी बार S1 से लेके S9 तक, S1 ही भरा हुआ, S2, S3, आज डेट है 30 जून 2024। जब अगले रन में 7 जुलाई 2024 को आएगी तो स्लीपर जो है S5 के बाद S6 यही तक रहेंगे। उसके बाद जो आपको 3 स्लीपर दिख रहे हैं वो नहीं रहेंगे, इसकी जगह 2 थर्ड एसी इकोनॉमी और 1 सेकंड एसी का कोच लगेगा, जिससे सेकंड एसी कोच की संख्या 2 हो जाएगी, थर्ड एसी 4 रहेंगे, ये S8 और ये लास्ट टाइम S9 फॉर द लास्ट टाइम एट बलिया S9 कोच। तो ये A1 है, एक लौता है, अब 2 हो जाएंगे, उसके अलावा ये वाले कोच 4 रहेंगे, तो थर्ड एसी के हैं 4 के 4 और 2 और थर्ड एसी इकोनॉमी जुड़ जाएंगे नेक्स्ट रन से रामानंद विहार टर्मिनल। और पीछे 3 जनरल, आगे 2 जनरल दिखे, ये 5 के 5 रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरल यहाँ खाली भी होता है पूरा और यहीं से भर भी जाता है डिपार्चर से 2-3 घंटे पहले ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी भी भरा हुआ है पूरा, तो ये आई हमारी बलिया की शान भिरगु सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। SLR कोच है, मधुपुर आनंद विहार टर्मिनल बलिया, 4 पे खड़ी है बलिया शाहगंज पैसेंजर, जो शाम को 5:30 बजे जाती है। बिल्कुल एकदम राइट टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आके खड़ी हो चुकी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये थी अपडेट बिल्कुल से रिलेटेड, और अगले रन में जब आएगी कम कोचेस के साथ स्लीपर के, तो वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।